योगी आदित्यनाथ सरकार मदरसों के कायाकल्प को लेकर सजग है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के सभी जिलाधिकारियों को सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। जल्द मदरसों का सर्वे पूरा होगा और उसके बाद इसकी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाएगी और इस पर राजनीतिकरण भी होना शुरू हो चुका है। AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है, बोले हैं कि अगर मोदी योगी चाहें तो हम नमाज पढ़ना बंद कर दें और ये NRC की तरफ एक छोटा कदम बढ़ाया जा रहा है। क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। जो मदरसे मदरसा बोर्ड के तहत उत्तर प्रदेश में, वो आपका रिकॉर्ड है। ये मदरसे से, ये जो प्राइवेट मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से रिकग्नाइज नहीं है, जो आर्टिकल 30 के तहत उनको राइट है, आप क्यों करेंगे सर्वे उनका? आपको क्या राइट है करने का? क्यों करेंगे आप? नहीं आप नहीं आप आप क्यों क्यों जानकारी करेंगे आप? क्या आपके सामने नहीं आपके सामने मदरसे चल रहे हैं, आप क्यों शक करते हो मदरसों को? आपके दिमाग में बात बैठी हुई है शक करना। आपके कल एक ऑर्डर, आप ये सर्वे करके बोलेंगे नहीं यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ो मदरसे में, आप करें कहेंगे नहीं कुरान मत पढ़ो। अरे भाई ऑर्डर जारी कर दो ना, बोल दो, तुम सब बोल दो कि हम मुसलमान नहीं है। ये करना चाह रहे मकसद आप हैरास करना चाह रहे मुसलमानों को। सरकार ने राज्य के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे 5 अक्टूबर तक कराने के निर्देश जिलाधिकारियों को सौंप दिए हैं। सर्वे का काम पूरा होने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जिलाधिकारियों को अपने अपने जिले के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सर्वे रिपोर्ट शासन को 25 अक्टूबर तक भेजनी है। इस संबंध में हुई एक बैठक में यह भी साफ कर दिया गया कि सर्वे टीम में SDM, BSA और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल रहेंगे। टीम अपने सर्वे के बाद रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेंगे। SDM या अपर जिलाधिकारी से मिली रिपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद ही जिलाधिकारी रिपोर्ट को आगे शासक के पास भेजेंगे। योगी सरकार के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण कराने के पीछे मकसद मदरसों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर करना है। सर्वे में पता लगाया जाएगा कि मदरसों का वित्त पोषण कहां से हो रहा है, किस जिले में कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, किस मदरसे में कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराकर उन्हें मान्यता प्राप्त के दायरे में लाया जाए। पात्र मदरसों को उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से मान्यता दिलाने का प्रयास किया जा सकता है।